निकू क्या खा रहे हो मैं नहीं खा हूँ ये ऐसे ही करता है ये वीडियो नहीं बनाने देता है ऐसी डाल दूंगी कैमरे के सामने इसकी नोट कर कट मार दूंगा तो बोल रहा है कट मार दूंगा लेकिन मैं कट नहीं मारूंगी हाँ। मैं नहीं मारूंगी मैं खुद मार दूंगा कैमरे मास्टर में देख लो इसको यही पता है कैसे कैसे एडिट होती है कैमरा ऑन हो गया इसलिए भाग रहा है हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और कैसे हैं आप सब आप लोग अच्छे ही होंगे और यहाँ पर पास में बैठा हुआ है निक्कू जो कि काफ़ी मस्ती करता है ऑल टाइम इसकी मस्ती चलती रहती है और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का तो और बस मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर पर आप लोगों को जैसे कि पता है मेरी सिस्टर आई हुई हैं तो बस मैं आ जाती हूँ उनसे मिलने के लिए ही तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में मुझे करना है लंच मैंने जो है कुछ भी नहीं खाया है सिर्फ मैंने मॉर्निंग में चाय पी थी उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था ना ब्रेकफास्ट किया था लेकिन अभी मैं खाना खाऊँगी तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं आज का कैसा रूटीन रहता है कैसा दिन गुजरने वाला है जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी तो चलिए पहले तो मैं लंच कर लेती हूँ आज लंच में बने हैं राइस जो कि मम्मी ने बनाए हैं तो वही मेरा भाई प्लेट में निकाल रहा है वो अपने लिए निकाल रहा था और मेरे लिए भी रख रहा है और साथ ही में बनी है ये दाल चने की मम्मी के हाथ के चने की दाल और चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गर्म होने के लिए रखूँगी क्योंकि इसको रखे हुए टाइम हो गया है मीन्स जब मम्मी ने बनाई थी तभी गर्म होगी अभी खा रहे हैं तो ठंडी हो गई है तो इसको गर्म करना है और यहाँ पर भाई ने जो है अपने लिए भी निकाल लिए हैं राइस तो बस यही है आज का हमारा सिंपल सा लंच और ये लंच तो मेरा फेवरेट है और किस किस को दाल राइस खाना पसंद है ज़रूर बताइएगा मुझे तो काफ़ी पसंद है हम तीनों बहन भाई को दाल राइस खाना काफ़ी पसंद है ये निकाल रहा है अचार हरी मिर्च का तो ये है आज का मेरा लंच मेरे भाई ने जो है ये प्लेट लगा दी है तो चलिए अब जो है मैं खाना खा लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ यहाँ पर मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ और वही खा रही हूँ निक्कू पास में ही लेटा हुआ है आप देख सकते हैं वो अपनी गाड़ी से खेल रहा है मैंने उससे भी बोला लेकिन उसने जो है पहले ही खा लिया था और वो जो है गाड़ियों से ही खेलता है उसको काफ़ी शौक है खासकर कार उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है अभी से नहीं बचपन से ही उसको कार बहुत ज़्यादा पसंद है जब ये बिल्कुल छोटा था तो कोई भी इसके लिए खिलौना लेकर आता है तो बस कार ही लेकर आता है गाड़ियाँ ही लेकर आता है क्योंकि इसको वही पसंद है और कभी भी इससे पूछो कि इनको क्या चाहिए तो बस ये अपनी गाड़ियाँ कार यही बताता है और बस इन्हीं से खेलता रहता है अपनी दुनिया मस्त रहता है और यहीं पर मम्मी भी बैठी हुई थी तो मैं उनसे ही बातें कर रही हूँ अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम तीनों बहन भाई जो है वो किचन में ही हैं तो मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रही थी खड़ी हुई हूँ लेकिन ये दोनों जो है मिलकर बना रहे हैं चाट और जो चना होते हैं जिसको चना जोर गरम बोलते हैं उसी का पैकेट है ये तो उसी में जो है ये लोग टमाटर प्याज वगैरह कट करके उसकी चाट बनाएंगे और इन्होंने जो है कॉम्पिटिशन भी रखा था इसी का तो उसी के लिए ये बन रही है और ये ब्लॉग जो है काफ़ी लेट आप लोगों को मिलेगा इन्होंने पहले ही वो वीडियो अपलोड कर दी है वो वीडियो आप मेरे भाई के चैनल पर देख सकते हैं मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ पर प्याज इसमें चॉप करके ऐड कर दी है और अब टमाटर जो है मैं कट कर रही हूँ यहाँ पर और जो चॉपर है उसी में इसको कट करूँगी ताकि ये जो है अच्छे से चॉप हो जाए और यहाँ पर उसमें जो है मसाले ऐड कर रही है मेरी सिस्टर नमक लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया मेरा भाई ऐड कर रहा है उसी में कट कर रहा है वो और मैंने टमाटर को जो है चॉप कर दिया है तो वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं और बस इसको जो है अच्छे से वो मिक्स कर रही हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ साथ ही मैं इसमें वो डाल रही हैं नमकीन तो आप अपनी पसंद का कोई भी नमकीन डाल सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी लगती है खाने में घर पर ही इसको बनाया है अच्छे से मिक्स कर रही हैं साथ ही मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड किया था तो बस ये जो चाट है वो बनकर तैयार है यहाँ पर वो जो है बाउल में निकाल रही हैं सभी के लिए और हम तीनों जो है बैठकर खा रहे हैं यहाँ पर मम्मी जो है मैथी की भाजी तोड़ रही थी रखी हुई थी तो बस उसको तोड़ रही थी और यहाँ पर अब वो खा रही हैं और मेरे भाई बहन जो है वो कंपटीशन कर रहे हैं तो उसी के लिए वो कैमरा सेट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और निक्क् नानी से कंपटीशन कर रहा था कि कौन पहले खाता है तो यहाँ पर नानी बोल रही हैं कि निक्कू जीत गया तो फिनिश नहीं हुआ है तो इसीलिए बोल रहा है कि पहले फिनिश करो तब देखेंगे कौन जीतता है तो इसी तरह से हमारी जो मस्ती है वो चलती रहती है तो मम्मी ने जो है खा लिया है और यहाँ पर वो अपनी जो भाजी है उसको फिर से तोड़ने लगी हैं और हम लोग जो है यहाँ पर उन्हीं को देख रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लोग और मैं कुछ बोल भी रही थी यहाँ पर उन्हीं से तो निक्कू देखे कितना खुश हो रहा है इस टाइम टिक्कू जो है वो सो रहा था तो अभी जो है हमारा टिक्कू सोकर उठ चुका है तो उसी को मैं गोद में लेकर बैठी हुई हूँ और ये है मेरी सिस्टर और ये है हमारा प्यारा सा टिक्कू और अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं आज सब्जी में मैथी आलू जो कि वो तोड़ रही थी तो उन्होंने कट कर लिया था तो बस यहाँ पर सब्जी बन रही है और उसको वो अच्छे से मिक्स कर रही हैं तो अभी थोड़ा सा और इसको भुनेंगी तो बस ढक दिया है और साथ में यहाँ पर बन रही है इवनिंग की चाय चाय अच्छे से बॉयल हो जाएगी उसके बाद इसमें दूध ऐड कर दिया है साथ में थोड़ी चाय पत्ती भी मम्मी ने डाल दी है क्योंकि कम थी तो न्यू पैकेट उन्होंने ओपन किया है उसी को कंटेनर में भर रही हैं यहाँ पर और मैं जो है सब्जी को चला रही हूँ तो वही खड़ी हुई थी और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उसको मम्मी क्लीन कर रही हैं साथ ही में किचन में थोड़ा सा कचरा हो गया था तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ उसी को साफ़ कर रही हूँ और सब्जी आप देख सकते हैं बनकर हो चुकी है तैयार बस चाय भी बॉयल हो रही है चाय बनकर तैयार हो चुकी है तो मम्मी वही छान रही हैं यहाँ पर और निक्कू भी किचन में ही है तो मैंने अपने लिए मना कर दिया था क्योंकि यहाँ पर जो सभी लोग हैं थोड़ी फीकी चाय पीते हैं और मुझे जो नॉर्मल मीठी चाय होती है वैसे पीने की आदत है तो बस मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड करके इसमें जो है उसको बॉयल कर लिया है और बस अपनी चाय छान ली है भाई जो है यहीं पर बैठ गया किचन में क्योंकि हम सब लोग जब साथ में होते हैं तो ऐसे ही मज़ा आता है मस्ती करते रहते हैं तो मैं भी यहीं पर खड़े होकर पीने लगी और आप देख सकते हैं निक्कू आराम से अपनी मस्ती में लगा है यहाँ पर टिक्कू मेरी सिस्टर की गोद में है तो उसको वो यहाँ पर इसलिए नहीं उतार रही हैं क्योंकि फिर वो जो है काफ़ी मस्ती करता है और सबको उसको देखना पड़ता है तो यहाँ पर थोड़ा नमकीन लिया है सभी लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर मेरी सिस्टर कुछ बना रही हैं अपने लिए तो वो भी खड़ी हुई हैं और बस हम सब लोग जो है यहाँ पर कर रहे हैं बातें और यहाँ पर जो है मम्मी बर्तन क्लीन कर रही थी तो फिर मैंने उनको मना कर दिया कि मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मम्मी भी काम करती रहती हैं जब मेंबर बढ़ जाते हैं तो काम भी बढ़ जाता है तो इसीलिए उनकी थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही देनी चाहिए तो इसीलिए बस मैंने सोचा कि मैं क्लीन कर देती हूँ बर्तन और वैसे भी हम लोग हेल्प कर ही देते हैं मेरी सिस्टर भी काफ़ी हेल्प करती हैं तो बस यहाँ पर जो बर्तन हैं आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं और ये हो गए थे क्योंकि लंच वगैरह बना था और अभी इवनिंग के भी काफ़ी बर्तन निकले हैं तो साफ नहीं हुए थे तो बस वही रखे हुए थे सारे तो उन्हीं को मैं क्लीन कर रही हूँ सारे बर्तनों को मैंने क्लीन कर लिया है और बस स्पून वगैरह रह गई थी तो उनको भी क्लीन करके स्टैंड में लगा दिया है और बस अब जो है मैंने सारी सिंक को भी क्लीन कर लिया है और अब बस पानी डालकर अच्छे से इसको मैं वॉश कर लूँगी उसके बाद पाइपर से सारे पानी को क्लीन कर दूँगी और यहाँ पर अब मैं खीरे को छील रही हूँ और फिर उसके बाद खीरा कट करके इसमें काला नमक डालकर खाऊंगी काफ़ी अच्छा लगता है और निक्कू भी खा लेता है इसीलिए बस इसको मैं कट कर रही हूँ और आज के डिनर में आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि मैं आलू की सब्जी बनी है चपाती बनेंगी और साथ ही मैं बनेंगे नमकीन राइस जो कि मेरी सिस्टर बनाएंगी तो मैं तो वही खाऊंगी क्योंकि मुझे राइस ही काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में और ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिपअप बाय टेक केयर